तेजवर सिंह जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप नेपाल गए थे रेसलिंग, आपको किस तरीके का शौक पड़ा आपको रेसलिंग में इस फील्ड में जाने का? सर मेरा नाम राजेश्वर सिंह है सर, मैं नगरोटा का रहने वाला हूँ, विलेज नदौर। तो सर मैं लास्ट मंथ गया था हरियाणा, वहाँ पे मेरे नेशनल्स हुए, जहाँ से मेरी सिलेक्शन हुई इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए जो नेपाल पोखरा में होने वाला था, जिसका तो सर वहाँ के लिए सिलेक्शन हुई, वहाँ पे गोल्ड आया। उसके बाद सर ये यहाँ पे मेडल आया मेरा गोल्ड। तो जो गोल्ड मेडल जो आप जीत के लाए हैं वो थोड़ा बताइए किस तरीके से? सर ये आपने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है वहां से? नहीं सर, मैं एक्चुअली मैं 2018 से खेल रहा हूँ सर। सर जो पहले मैं सर 2018 में स्टेट हुआ था मेरा, सर उस गेम का नाम था ग्रैपलिंग, ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अंडर आती है, सेम रेसलिंग फॉर्म है प्लस इसमें लॉक एंड चॉक होते हैं। सर 15 में मैं स्टेट हुई थी कठुआ में अनबीटेबल स्पोर्ट्स क्लब में, सर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई स्पोर्ट्स की। सर वहाँ पे मेरा सिल्वर आया, मेरी सिलेक्शन हुई सर नेशनल के लिए। सर जो हुआ MDU रोहतक में नेशनल्स हुए थे, सर उसमें मेरा ब्रॉन्ज आया 2018 अप्रैल में। सर उसके बाद सर मेरे जो साथी थे सर उनका गोल्ड आया, तो सर थोड़ा मैं डीमोटिवेट हो गया। उसके बाद सर मैंने घर आके थोड़ी और मेहनत की। सर उसके बाद हमारा एक टूर्नामेंट होता है इंडियन ओपन, 2019 में वो हुआ दिल्ली में ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में। सर वहाँ पे मेरी फोर्थ पोजीशन रही, सर उसमें मेरा कोई मेडल नहीं आया। सर मैं थोड़ा और डीमोटिवेट हो गया। सर जैसे डीमोटिवेट होता गया तो मेरा पहले तो मेरे यहाँ कि मैं गेम छोड़ दूँ, कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। बट सर नहीं, मेरे फादर ने मुझे इंकरेज किया, मेरी मदर ने किया, मेरे फ्रेंड्स ने किया कि ट्राई करो। सर मैंने प्रैक्टिस की, आफ्टर सर 19 अगस्त 2019 में मेरा मैच हुआ उत्तराखंड में, सर वो था सीनियर नेशनल, और सर मेरा वहाँ पे गोल्ड आया। सर वहाँ से मेरी सिलेक्शन हुई साउथ एशियन गेम्स जो भूटान में होने वाली थी, तो सर मैं वहाँ पे गया, सर वहाँ पे मेरा गोल्ड आया। सर 2020 में सर यहाँ पे इंडो नेपाल चैम्पियनशिप हुई सर रेसलिंग की, सर उसमें भी मेरा गोल्ड आया। उसके बाद सर अभी जैसे उसी सर जनवरी 2020 में मेरे मैच हुए थे जो नेपाल में मेरा वो हुआ, वहाँ पे नेपाल पोखरा में सर मेरा गोल्ड आया वहाँ पे। उसके बाद सर उससे बाद सर इंडियन ओपन हुआ, उसमें सर मेरे तीन मेडल रहे। रेशो सिंह जी जो आज आपको फोन आया, जो जिस तरीके से आपकी आज सिलेक्शन वगैरह हुई है, जहाँ पे आप बता रहे हैं वहाँ पे आप कब जाएंगे? सर वो मेरा नेक्स्ट मंथ का सर है, साउथ एशियन के लिए सिलेक्शन हो गई है, इन द 2 or 3 days में मेरा जो ऑफिशियल लेटर आ जाएगा। सर मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे इस चीज़ के लिए स्पॉन्सर करे, कोई सर मुझे बैक सपोर्ट करे कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। जर्नी कैसी रही आपकी? सर जर्नी सर अच्छा था। कहाँ से, गांव से उठ के आप गए इस फील्ड में? मैं एक विलेजर हूँ सर, सर विलेजर से उसके बाद सर यहाँ तक पहुँचा हूँ। सर मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे जो पेरेंट्स का कितना सपोर्ट, पेरेंट्स का सब फुल सपोर्ट रहा मेरा। मेरे कोचिज को थैंक करना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई को थैंक्स करना चाहूंगा कुलदीप सिंह को, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मेरे जो कोच है साहिल डोगरा, मेरे गुलजिंदर सिंह सर, ये मेरे ऑफिशियल कोचेस हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इंकरेज किया, मुझे सपोर्ट किया हर एक जगह पे। मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाइयों ने जो मुझे इंकरेज करते रहे कि नहीं कर सकता है, कर सकता है, तो सर उनको बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगा। सर मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे जो मेरा नेक्स्ट टूर्नामेंट है उस चीज़ के लिए कोई मुझे स्पॉन्सर करे, सर मेरी हेल्प हो जाएगी, सर फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी। सर लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो आज की जो जनरेशन है, आप कहाँ से गांव से उठ के आप इतने रेसलिंग में गए, आपने गोल्ड मेडल जीता, यस सर, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको खेलें, इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि इससे आप फिट रहोगे, नशे से दूर रहोगे। सर मेन है कि नशे से दूर रह पाओगे आप, स्पोर्ट्स में नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, जॉब लो, अपने घर वालों का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो। सर मैं तो यही देना चाहूंगा। जो आपकी जो जो सिलेक्शन हुई है वहाँ पे आप कब तक आप जाएंगे, आपका अथॉरिटी लेटर कब आएगा आपके? सर नेक्स्ट मंथ मेरा टूर्नामेंट है सर 19, 20, 21, 22 में भी दिस, तो सर ये मेरा सर 1 or 2 दिन में मेरा ऑफिशियल लेटर आ जाएगा। लास्ट नाइट मेरे को कंफर्मेशन कॉल आएगी, यू आर सिलेक्टेड फॉर साउथ एशियन गेम्स एट मे बी वेन्यू जहाँ का होगा। अभी तक आप किस किस कंट्री में खेल के आए हैं रेसलिंग? सर मैं नेपाल, भूटान, कजाकिस्तान,
सर यहाँ पे हो चुका हूँ, सर खेल चुका हूँ सर। कजाकिस्तान में मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच हुआ था 2019 में, मैं वहाँ पे सर जा चुका हूँ। मैं सर वहाँ पे क्वार्टर फाइनल में हार गया था बिकॉज मेरा पैर की इंजरी की वजह से मैं मतलब मैंने गिव अप दे दिया था। जो अभी तक आपको लाइव देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए, गवर्नर साहब को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं गवर्नर साहब को ये मैसेज देना चाहूँगा कि सर हमारे जम्मू में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं सर, आप अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो जम्मू का नाम रोशन करेंगे सर। हम स्पोर्ट की वजह से पीछे रह जाते हैं।